ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। आज मेरी आवाज़ थोड़ी सी चेंज है संगत जी, तो क्योंकि शायद गले में कुछ इरिटेशन हो रही है। तो संगत जी, मैं आपसे अपने छोटे छोटे सत्संग शेयर करूंगी फिर से, और थोड़े से टाइम के लिए करूंगी। मेरे छोटे छोटे से सत्संग है जो मैंने सोचा कि मैं ऑनलाइन आकर संगत जी के साथ शेयर करूँ। ये संगत जी, अभी कुछ मंथ्स पहले, ये अराउंड सितंबर की बात है 2021, जब मुझे अपने बालों की स्मूथनिंग करवानी थी उस टाइम पर। तो संगत जी, मैंने उस टाइम सोचा कि मैं डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि मैं स्मूथनिंग कब करवाऊँ, आज करवाऊँ कल कर। उससे थोड़े दिन, एक दो दिन बाद, 3 4 दिन बाद अराउंड मुझे दिल्ली जाना था। तो मैं इसीलिए मैं थोड़ी सी कंफ्यूज थी कि मैं दिल्ली से आकर स्मूथनिंग करवाऊँ कि दिल्ली जाने से पहले करवा कर जाऊँ। तो संगत जी, वही बात हुई कि गुरु जी तो हर एक चीज़ में आपका पार्टनर बनते हैं, हर चीज़ में आपकी इतनी हेल्प करते हैं, हर जगह हमें गाइड करते हैं, डायरेक्ट करते हैं कि आपको कब क्या करना है। संगत जी, मैंने ये चीज़ भी गुरु जी के ऊपर ही छोड़ी कि गुरु जी आप बताओ। मैं जस्ट ऐसे अपने ऑफिस में बैठी थी और कंप्यूटर सामने जो स्क्रीन पे मैंने गुरु जी लगाए हुए हैं वॉलपेपर, तो मैंने उनसे ऐसे अपने मन में पूछा कि गुरु जी, मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ मैं स्मूथनिंग कब करवाऊँ बालों की। तो मैंने बोला कि गुरु जी आप मुझे बताओ, आप मुझे किसी से इस चीज़ का आंसर दिलवाओ कि मैं कब करवाऊँ। जस्ट मैं ऐसे ऑफिस में शेयर तो कर ही रही थी 2 3 4 5 दिन से कि मुझे स्मूथनिंग करवानी है, बट नॉर्मली जैसे हम लोग बात करते हैं अपने ऑफिस में ऐसे। तो संगत जी, क्या होता है, जैसे मैं बैठी थी अपनी चेयर पे, मेरे पास मेरी एक फ्रेंड है, वो आई, वो मुझे आकर बैठी विद इन 5 मिनट्स। जैसे मैंने गुरु जी के साथ ऐसे बात की है कि गुरु जी आप बताओ मैं कब करवाऊँ, मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ मैं कब करवाऊँ, जो आप मुझे किसी से जवाब दिलवा दो इस चीज़ का। तो संगत जी, उसी टाइम वो मेरी फ्रेंड मेरे पास जो आकर बैठी, वो मुझे पूछती है कि मैम आपने स्मूथनिंग नहीं करवाई। संगत जी देखो, मतलब वो मैं पूरा दिन से ऑफिस में थी और एक दो दिन पहले से भी ऑफिस में थी, मुझे कभी नहीं उसने पूछा ऐसे कि आपने स्मूथनिंग नहीं करवाई, और उस टाइम वो मुझे आकर पूछती है कि मैम आपने स्मूथनिंग नहीं करवाई, आप कह रहे थे मैं करवाऊंगी। आई थॉट ओ माई गॉड, गुरु जी अगेन यू, थैंक यू सो मच। तो मैंने उससे पूछा कि अच्छा स्मूथनिंग, मैंने कहा अच्छा तू बता मैं कब करवाऊँ स्मूथनिंग। तो वो हंसने लग गई, कहती कि मैम मुझे क्या पता, जब आपको मन करे तब करवा लो, आज करवा लो। मैंने कहा बस ठीक है, मैंने कहा मैंने अपने गुरु जी से एक क्वेश्चन पूछा था जिसका मुझे आंसर गुरु जी ने, वो मतलब तुमसे मुझे ये आंसर दिलवाया है। तो वो हंसने लग गई, कहती अच्छा, वो भी गुरु जी के बारे में जानती है, कहती अच्छा, कहती मैंने तो वैसे ही पता नहीं क्यों मेरे दिल में आया कि मैं मैम से पूछूं कि आपने स्मूथनिंग नहीं करवाई। तो गुरु जी, संगत जी फिर मैं उसी दिन ही स्मूथनिंग करवाने चली गई ऑफिस से, मैंने हाफ डे किया और मैं स्मूथनिंग के लिए चली गई। मैंने कहा हाँ मेरे गुरु जी ने बोला है कि आज ही करवानी है ये। तो गुरु जी ऐसे साथ देते हैं, छोटी छोटी बातों में भी साथ देते हैं, तो बड़ी चीज़ों में, बड़ी प्रॉब्लम्स में, बड़े डिसीजंस में कैसे नहीं देंगे साथ, जब वो हमारे इतने, मतलब हम लोग कितने सिली हैं कि हम इतनी इतनी बातें भी गुरु जी से कई बार करने लग जाते हैं कि गुरु जी आप बताओ, गुरु जी को सारे काम छोड़कर इस चीज़ का आंसर देने आना पड़ा। तो मैंने उस टाइम भी बहुत शुक्राना किया, मैंने कहा चलो थैंक यू। मैंने उसी टाइम अपने हस्बैंड को फ़ोन किया कि मैं स्मूथनिंग करवाने जा रही हूँ, तो कहते ओके जाओ। तो संगत जी ऐसे करते हैं गुरु जी। एक और मेरा छोटा सा सत्संग है जल प्रसाद का। जैसे संगत जी, मैं आपको अपने सभी सत्संग में ये बताती हूँ कि जल प्रसाद बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो मतलब बहुत पावरफुल है। और वो है संगत जी मेरे घर में, तो वो बहुत ही, यहाँ नहीं हर जगह जल प्रसाद की बहुत बहुत महिमा है। अभी क्या हुआ संगत जी, कुछ टाइम पहले की बात है, मेरे हस्बैंड को, वैसे वो बिल्कुल ठीक थे, अचानक से जब वो घर आए तो वो बोलने लगे मुझे बहुत ठंड लग रही है, बहुत ठंड लग रही है, यही कोविड टाइम की बात है। तो मैंने बोला ओके आप ऐसे करो आप मेडिसिन ले लो। संगत जी हमने उन्हें मेडिसिन दी, सब कुछ किया, उनको बहुत हाई फीवर हो गया, अराउंड 103 के अराउंड उनको फीवर चढ़ गया। तो मैं भी बहुत घबरा गई, ऊपर से कोविड का टाइम चल रहा है, ये कुछ टाइम पहले की बात है। तो मैंने उन्हें बोला कि अब क्या करें, रात के 9 बजे का टाइम था कुछ,
तो मैंने कहा अच्छा अब कैसे मैनेज होगा, क्या करेंगे। तो संगत जी उनको इतना तेज़ फीवर हो गया कि मतलब वो खुद भी एक तरह से घबरा गए कि हाँ मेरा फीवर काफ़ी ज़्यादा हाई है। उनको बॉडी एक हो रहा था, फीवर था, सब कुछ था। पर मैं उनके साथ ही रही, मैंने उनको अकेला नहीं छोड़ा। मैं छोड़ भी नहीं सकती थी संगत जी उस टाइम, उनको कौन देखता अगर हम लोग उनको आइसोलेट कर देते कि कहीं इनको कोविड ना हो। मैंने मास्क लगाया लेकिन मैं उनके पास ही थी। उनको मेडिसिन दी, उनको उनके पैरों को दबाया, सब कुछ किया। तो जब मुझे ऐसे लगा कि वो तो सच में लूज हो रहे हैं, कि कुछ और प्रॉब्लम होगी, तो रात के 9 बजे हैं, कौन देखेगा। मैंने गुरुजी के आगे अरदास लगाई कि गुरुजी इनको बिल्कुल ठीक कर दो। तो एकदम से मुझे थॉट आया कि इनको जल प्रसाद देना चाहिए। मैंने उनको जल प्रसाद दिया उसी टाइम। उन्होंने जल प्रसाद पिया मेरे कहने पे कि ओ नेहा लक्की जी, सेम इंसिडेंट हैपन वाइल आई वॉज गोइंग फॉर स्मूदनिंग कलरिंग एंड ओ माई गॉड। अच्छा, मतलब गुरु जी हमें इतनी इतनी चीज़ों में भी हेल्प कर, सबको हेल्प करते हैं। वेरी गुड, दैट्स वेरी नाइस, है ना, कि गुरु जी इतने इतने प्यारे हैं। थैंक यू गुरु जी। उस सॉरी संगत जी, मेरा सत्संग बीच में थोड़ा सा, मैं अभी दोबारा स्टार्ट करती हूँ। मैं इनका आंसर करने लगी थी तो मुझे बहुत खुशी हुई कि हाँ, ये सत्संग सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ, किसी और के साथ भी हुआ है। गुरु जी कैसे डिसीजन लेकर दिया कि जैसे वो लड़की, वो मेरी जो फ्रेंड है, वो मेरे पास पहले भी आकर दिन में कितनी बार बैठी, पर जिस टाइम मैंने गुरुजी से बात की, उसके जैसे विद इन 5 मिनट्स वो आई, तो उसने मुझे ये कहा कि मैम आपने स्मूथनिंग नहीं करवानी। सोचो संगत जी, कोई कैसे ऐसे कर सकता है। तो मैंने उससे पूछा कि तुझे ऐसा थॉट कैसे आया, तूने मुझे सुबह से तो नहीं बोला। तो वो कहती पता नहीं मुझे अचानक से ऐसे, अभी जब मैं आकर बैठी तो मुझे लगा कि मैं आपसे पूछ लूँ। मैंने तो जस्ट वैसे ही पूछा। मैंने कहा हाँ, ये तेरे लिए जस्ट वैसे था, बट मेरे लिए ये मेरे गुरु जी का आंसर था। थैंक यू गुरु जी। तो संगत जी, मैं आपसे जल प्रसाद की महिमा शेयर कर रही थी। तो जब मैंने गुरु जी के आगे अरदास लगाई, तो मुझे थॉट आया कि मैं उनको जल प्रसाद दूँ। वैसे मैं हमेशा अपनी फैमिली में सबको हम लोग जल प्रसाद लेते हैं, पर एकदम से उस टाइम मेरा दिमाग नहीं काम किया। जब मैंने गुरु जी के आगे अरदास की, तब मुझे आया थॉट। तो मैंने जल प्रसाद दिया, उन्होंने भी जय गुरु जी बोलकर पी लिया उसको। और मैं ये भी बताती हूँ अभी संगत जी, कि वो जल प्रसाद कौन सा था। तो क्या हुआ कि 2 दिन पहले उस तब जो वो जल प्रसाद बनाया था, जब मैं मॉर्निंग में नेक्स्ट जल प्रसाद वो वाला उठाकर नेक्स्ट वाला रखने लगी, तो जल प्रसाद के ऊपर जो मैं कटोरी रखती हूँ, उसके अंदर 2 लॉकेट रखती हूँ छोटे छोटे से हैं गुरु जी के, तो मैं हमेशा उसी कटोरी के ऊपर रख देती हूँ जिससे मैं जल प्रसाद वाले ग्लास को कवर करती हूँ। तो नेक्स्ट डे जब नेक्स्ट ग्लास रखती हूँ, नेक्स्ट कटोरी रखती हूँ, तो वो लॉकेट निकाल के उसमें रख देती हूँ। तो क्या हुआ, जब मैंने जल प्रसाद निकाला, उठाया वहां से, दूसरा जल प्रसाद रखा, तो मैंने देखा कि उसके ऊपर गुरुजी के लॉकेट नहीं थे दोनों। तो मैं ढूंढने लगी कि गुरुजी के लॉकेट कहाँ गए। मैंने घर में भी सबसे पूछा कि किसी ने गुरुजी के लॉकेट तो नहीं उठाए बच्चों ने या किसी ने, तो सबने कहा नहीं, हमने नहीं उठाए, हम लोग तो मंदिर में नहीं गए, नहीं उठाए। तो मैं बहुत वरीड हुई कि ये क्या क्या बात है, गुरुजी का लॉकेट कहाँ चले गए दोनों। और मैं पूरी किचन में उसको ढूंढती रही उन्हें, और मंदिर में ढूंढा, मुझे कहीं पे भी नहीं मिले। तो मैंने सोचा अब क्या करूं। तो मेरे दिमाग में सडनली ये क्लिक किया कि ज़रूर कुछ ना कुछ तो बात है इसके पीछे, जो गुरुजी के लॉकेट, मुझे इतना टाइम हो गया जल प्रसाद रखते हुए, कभी भी गुरुजी के लॉकेट इधर से उधर नहीं हुए कटोरी के ऊपर से। तो मैंने सोचा कि अगर सपोज बीच में गिर गए होते, ग्लास में अगर गिर गए, तो कटोरी भी तो टेढ़ी होती ना, कि अगर वो, वैसे तो कटोरी वो हैवी है, वो ऐसे हल्के से टच करने पे भी नहीं ऐसे एकदम से मुड़ सकती। पर चलो फिर भी मैंने सोचा कि शायद उसके बीच में ना गिर गए हों, कोई चीज़ ना आ गई हो जिससे कटोरी हिल गई, बीच में गिर गए लॉकेट। पर नहीं संगत जी, मैंने नया ग्लास तो रख दिया, पर मैं अपने लॉकेट ढूंढती रही गुरुजी के। मैं मंदिर में पूजा करने बैठी, फिर भी मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं यही थॉट था कि लॉकेट कहाँ गए आखिर। तो इतने में जो हमारे घर एक और गुड़िया रहती है हमारे साथ, बिमलेश है उसका नाम, बिमलेश आंटी, वो शी इज़ लाइक माई सिस्टर, है ना। तो उसने बोला कि भाभी, वो भी मेरे साथ ढूंढ रही थी लॉकेट, हम दोनों ढूंढ रहे थे।
तो नहीं मिल रहा था कहीं पर भी। तो अचानक से उसने जो पुराना जल प्रसाद था उसको खोला, उसने बोला कि भाभी इसमें तो नहीं होंगे, कहीं इसके बीच में तो नहीं गिर गए। तो मैंने उसको बोला हाँ चेक कर। जैसे उसने वो वाली कटोरी उठाई पुराने जल प्रसाद की, तो लॉकेट दोनों उसके अंदर थे जल प्रसाद के। तो मैंने, वो कहती भाभी ये रहे दोनों लॉकेट। तो मैंने कहा अच्छा इसके अंदर कैसे गिरे होंगे, कटोरी तो एज इट इज पड़ी थी, अगर गिरे होते तो कटोरी भी तो टेढ़ी होती। तो उसी टाइम मेरे दिमाग में आया कि ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम आने वाली होगी जिसके लिए ये जल प्रसाद तैयार हुआ है। ये एक स्पेशल जल प्रसाद है, मेरे को 100% श्योरिटी थी। और संगत जी आप ये देखो कि जैसे वो जल प्रसाद बना, मतलब लॉकेट बीच में रहे उसके, पूरा पूरा दिन पूरी रात वो उसी के बीच में थे। हम लोगों ने तो नेक्स्ट डे देखा, नेक्स्ट डे भी उसको नहीं निकाल सकते थे क्योंकि हाथ थोड़े ना डालते पानी के ग्लास, जल प्रसाद के ग्लास में। तो उस दिन भी वो उसी में रहे। मैंने सोचा अब जब कल इस जल प्रसाद को, मतलब दूसरा ग्लास लूँगी तब ये निकालूंगी जब हम लोग पी लेंगे इस जल प्रसाद को। पर मैंने वो, पता नहीं क्या रीज़न हुआ कि हमने वो जल प्रसाद नहीं पिया, वो पड़ा रहा। तो जैसे ही एक दिन पूरा पड़ा रहा, एक दिन तो मैंने रखा मंदिर में, नेक्स्ट डे वो किचन में पड़ा रहा। उससे नेक्स्ट डे मेरे हस्बैंड को इतना तेज़ फीवर आया, 103 फीवर, उस दिन की बात है ये जो मैं अभी आपसे शेयर कर रही थी। उनको जब 103 फीवर आया तो उस टाइम मेरे दिमाग में आया कि इनको जल प्रसाद दो। तब मैंने वो वाला जल प्रसाद जिसमें गुरुजी के लॉकेट 2 दिन से पड़े थे, वो वाला जल प्रसाद उनको पिलाया। ठीक है मेडिसिन भी दी, वो तो देनी थी संगत जी, पर मैंने वो मेडिसिन उनको जल प्रसाद के साथ दी। और उसके बाद मैंने गुरुजी को तिलक किया और फिर अपने हस्बैंड को तिलक किया फोरहेड पे, जय गुरुजी बोलकर, ये सब मैंने किया। और मैं उसके बाद मेरे हस्बैंड सो गए क्योंकि उनको बॉडी एक था बहुत ज़्यादा, सारे सिम्टम्स तो थे कोरोना के। पर ठीक है फ्लू भी होता आजकल, वायरल भी है, कुछ कह नहीं सकते जब तक टेस्ट ना किया हो। ज़रूरी नहीं कोरोना ही होगा, क्योंकि पहले भी ये सब सिम्टम्स होते ही थे। ये मौसम है, चेंज ऑफ सीजन में सब कुछ होता है, तो वो भी हो सकता था। तो वो तो टेस्ट तो हम लोगों ने नेक्स्ट डे करवाना था ना उनका, क्योंकि उस टाइम तो वैसे 9:30 9:45 हो गया था टाइम। तो नेक्स्ट डे हमने सोचा कि हम मॉर्निंग में टेस्ट करवाएंगे। तो संगत जी विद इन हाफ एन आवर आई गेस वो सो गए। जैसे ही वो सोकर उठे संगत जी वो बिल्कुल ठीक थे, बिल्कुल ठीक। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वो जल प्रसाद उस दिन के लिए बना था संगत जी, क्योंकि उस दिन हमें ज़रूरत पड़नी थी। हमें नहीं पता था कि हमारे ऊपर इतनी कोई बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। इतनी बड़ी प्रॉब्लम आने वाली थी कि मेरे हस्बैंड भी लूज़ हो गए थे, जबकि वो बहुत स्ट्रांग है, वो बिल्कुल भी नहीं घबराते। मैं फिर भी घबरा जाती हूँ, बट वो मुझे हमेशा यही कहते हैं कुछ नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेक इट ईजी, कोई बात नहीं। पर संगत जी जिस दिन मैं, जिस टाइम मैंने उनको देखा कि हाँ वो, मुझे लग रहा है कि इस टाइम वो भी, उनको भी टेंशन है कि पता नहीं इस चीज़ से आगे क्या रिजल्ट आने वाला है। तब मैंने गुरुजी के आगे अरदास की और गुरुजी ने वो जल प्रसाद उस दिन के लिए बनवाया हुआ उनको दिया हमने, और वो बिल्कुल ठीक थे संगत जी। वो रात को ही ठीक हो गए थे, बिल्कुल ठीक। ऐसे लग रहा था कि अभी घंटा 2 घंटे पहले ऐसा कुछ था ही नहीं, हम फिर से बैक टू नॉर्मल लाइफ थे। जबकि 2 घंटे के बीच में हम लोग इतने डिस्टर्ब हो गए थे, कभी मैं किसी को फ़ोन कर रही थी, कभी मैं डॉक्टर को फ़ोन कर रही थी, कभी मैं केमिस्ट पे फ़ोन कर रही। अच्छा इन बिटवीन जो केमिस्ट आया संग जी, जो मेडिसिन डिलीवर करने आया घर पर, उसने, उसको जब मैंने पैसे दिए, मैंने उसको 500 का नोट दिया कि ये लो, कुछ 200 समथिंग बिल था उसको, 237 कुछ मुझे ऐसे वापस करने थे। तो संगत जी वो जो बच्चा आया था डिलीवर करने, उनका डिलीवरी बॉय, उसने मुझे बिल्कुल पूरे 200, मैंने उसको 500 दिया, उसने मुझे एग्जैक्ट 237 रुपीज़ ऐसे, उसने ऐसे बंद किया हुआ था अपनी मुट्ठी को, उसने मुझे ऐसे ही वापस किए। तो मैं इतनी हैरान थी कि पहले भी बहुत बार डिलीवरी आती है घर पे हर चीज़ की, पर किसी को कैसे पता कि मैं उसको 500 ही दूंगी। मैं उसको 300 भी दे सकती थी, मैं उसको 400 या कुछ और भी दे सकती थी। ये कोई शॉर्टी थोड़ी ना थी कि मैं 500 ही दूंगी उसको। ये सब मुझे लगता है सब गुरुजी की प्लानिंग थी, ताकि बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट हो, कुछ नहीं हो, मैं सब कुछ फटाफट से कर पाऊँ। अगर अभी मुझे चेंज ढूंढने में टाइम लगता तो मैं तो पहले ही उस टाइम बहुत टेंस थी। अगर वो मुझे कहता है मुझे एग्जैक्ट यही दो, मेरे पास तो चेंज नहीं है, तो मैं पहले इतनी ज़्यादा टेंस थी हस्बैंड को लेकर। तो संगत जी ऐसे गुरुजी साथ देते हैं, बिल्कुल अंग संग हो जाते हैं। हाँ मैंने एक चीज़ और की थी कि जिस टाइम से मुझे पता चला कि उनको फीवर चढ़ रहा है, उस टाइम अभी चढ़ रहा था,
तो मैंने गुरु जी का मंत्र जाप उनके रूम में लगा दिया था 1 घंटे वाला, तो वो मोबाइल पर चलता रहा, वो उसको सुनते रहे, उनको कहीं ना कहीं सुनता रहा, वो कानों में तो जा ही रहा था चाहे वो सो गए थे, पर वो हमारा मंत्र जाप ज़रूर चलता रहा। क्योंकि मैंने ये एक सत्संग में सुना था कि अगर घर में किसी को भी कुछ प्रॉब्लम आ गई है या आप किसी भी प्रॉब्लम में फंस गए हैं ना, तो आप मंत्र जाप शुरू कर दीजिए सुनना। मंत्र जाप बहुत जल्दी काम करता है, जल प्रसाद, मंत्र जाप और तिलक, ये तीनों चीज़ें बहुत जल्दी काम करती है संगत जी। अगर आप भी कभी किसी प्रॉब्लम में फंस जाओ, जहाँ संगत जी हम लोग न्यूक्लियर फैमिली हैं, तो कोई भी प्रॉब्लम आती है तो डर जाते हैं कि कोई बड़ा साथ नहीं है, पता नहीं क्या होगा, अभी मैं कैसे मैनेज करूँगी, बच्चे छोटे हैं, पर सब कुछ गुरु जी हैं, सबसे बड़े तो गुरु जी बैठे हैं। अब गुरु जी हमारे घर के सबसे बड़े हैं संगत जी, मेरे इन लॉज भी गुरु जी को मानते हैं, पेरेंट्स भी मानते हैं, तो इसलिए मेरे लिए अब सबसे बड़े गुरु जी हैं हमारे घर में। जैसे कहते हैं ना, एक बुज़ुर्ग का होना घर पे ज़रूरी है, ऐसे गुरु जी एज अ बुज़ुर्ग हमारे घर में काम करते हैं, ऐसे हमारे घर को प्रोटेक्ट करते हैं हर एक प्रॉब्लम से संगत जी। और संगत जी पहले मेरे मम्मा एक्सपायर हुए थे 2016 में, तो उस टाइम से मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहती थी। उनको कार्डिक अरेस्ट हुआ था, ऐसा नहीं था कि वो पहले बीमार थे तो कुछ एक्सपेक्टेड था कि चलो हो जाएंगे, ऐसा ऑल ऑफ अ सडन वो एक्सपायर हो गए थे मेरी सिस्टर की मैरिज से 2 दिन पहले। तो वो बड़ा डिफ़िकल्ट टाइम था, है ना, तो उस टाइम से हम बहुत मुश्किल निकल पा रहे थे। एक तो हमारा माइंड प्रिपेयर होता है कि ऐसा हो जाएगा, एक माइंड प्रिपेयर नहीं है, ऊपर से घर में इतना बड़ा फंक्शन है, सिस्टर की मैरिज है, उस टाइम पर ऐसे हो जाना बहुत बड़ी बात होती है, तो वो टाइम निकालना बहुत बहुत टफ था। तब मैं गुरुजी से नहीं जुड़ी थी उस टाइम, तो मैंने वो टाइम बहुत टफ निकाला, मेरी पूरी फैमिली ने बहुत मुश्किल से निकाला वो टाइम। तो संगत जी क्या हुआ, जैसे जैसे मैं गुरुजी के साथ जुड़ने लगी, तो मुझे एक अंदर मन में सेटिस्फेक्शन है अब कि मेरे मम्मा जो हैं वो गुरुजी के पास हैं। जैसे मुझे ऐसे विजन भी हुआ कई बार, कभी मैं मंदिर में बैठकर मंत्र जाप करती हूँ जब सुबह या कभी भी, तो मुझे एग्जैक्ट ऐसे विजन आया कि मेरे मम्मा गुरुजी के ही पास हैं। तो संगत जी उस टाइम से, जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ ना, मेरा सारा जो दिमाग है वो डाइवर्ट हो गया गुरुजी की तरफ। पहले मेरा दिमाग हर टाइम अपने मदर की साइड रहता था, कभी भी मैं कहीं से भी काम कर फ्री होती थी तभी मेरा दिमाग सीधा उधर ही जाता था, वो सब बातें याद आती थी, सब कुछ होता था, पर कुछ कर नहीं सकते थे, हेल्पलेस थे। पर थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने हमें अपने साथ जोड़ा। जब से मैं गुरुजी के साथ जुड़ी तब से जो मेरा पूरा दिमाग है वो गुरुजी की तरफ रहता है। हाँ मुझे अपनी मम्मा याद आते हैं, वो हमेशा आते रहेंगे, पर मुझे अब ऐसे रोना नहीं आता जैसे मुझे पहले आता था। मैं इमोशनल हो जाती थी उनको याद करके, मैं डिस्टर्ब होती थी, मेरी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब होती थी, तो वो चीज़ें अब नहीं होती हैं। मैं उनकी सारी गुड मेमोरीज़ याद करती हूँ और हंसती हूँ उनकी बातें याद कर करके, एक नॉर्मल, जैसे अब मेरा माइंड सेट हो गया कि हाँ वो गुरुजी के साथ हैं, कोई बात नहीं, सबको जाना है एक दिन, मुझे भी जाना है, सबको जाना है। तो उनका जब टाइम था वो चले गए, पर चलो ये बहुत बहुत शुक्राना है कि गुरुजी ने मेरा माइंड सेट कर दिया कि मम्मा गुरुजी के पास हैं, तो अब मैं स्टेबल हो चुकी हूँ, तो इसलिए बहुत 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 शुक्राना गुरुजी का। ये मेरे छोटे छोटे से सत्संग थे संगत जी, जो मेरा मन किया कि मैं शेयर करूं। आज मैं अचानक से इस टाइम पर, तो मैं कभी भी लाइव नहीं आती हूं, पता नहीं कैसे आज इस टाइम में लाइव आ गई हूं, गुरुजी का हुक्म आया होगा, है ना। रात को मैं 8 बजे फिर से लाइव आऊँगी गुरुजी का सिमरन ग्रुप में, वहाँ की मुझे सेवा दी है आंटी ने, तो मैं 8 बजे उस ग्रुप में लाइव आऊँगी संगत जी, आप ज़रूर ज्वाइन करना उसको भी। ये हम लोग जितनी महिमा करें संगत जी, मुझे ऐसे लगता है कि मैं गुरुजी की जितनी महिमा करती हूँ ना, उतना गुरुजी खुश होते हैं कि मेरी महिमा कर रहा है कोई। गुरुजी बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं, गुरुजी हर प्रॉब्लम से हमें बचाते हैं। अगर हमारी वजह से कोई संगत जुड़ती है तो ये बहुत बड़ी बात है, किसी को कोई पॉजिटिव थॉट मिला, कुछ भी वाइब्स आई पॉजिटिव, बहुत अच्छी बात है संगत जी। आप भी, मैं हमेशा कहती हूँ, अपना सत्संग ज़रूर शेयर कीजिए, ज़रूरी नहीं है कि ऑनलाइन ही आके कीजिए, आप बाहर अपने फ्रेंड सर्कल में कहीं पर भी ज़रूर सत्संग शेयर कीजिए, ताकि लोगों को गुरु जी की महिमा के बारे में पता चले। बहुत सारी दुनिया अभी भी जिसको नहीं पता गुरु जी का, गुरु जी मतलब अगर हमारा भला हो रहा है तो संगत जी दूसरों का भी भला ज़रूर
होना चाहिए, हमेशा थॉट यही रखना चाहिए मन में कि अगर हमें कुछ मिला है गुरुजी के दरबार से तो सबको मिले, चाहे मेंटल पीस मिला है, चाहे कुछ भी, आपको जो भी मिला है गुरुजी से आप उसको शेयर कीजिए, वो औरों को भी मिले, ताकि सब सब लोग ब्लेस हों। तो ये मेरा, यही मेरी छोटी सी प्यारी सी छोटी सी सत्संग की जर्नी आपसे मैंने शेयर की है। नेक्स्ट टाइम फिर जब गुरुजी हुक्म करेंगे तो मैं ज़रूर ऑनलाइन आऊँगी। थैंक यू सो मच संगत जी, थैंक यू सो मच गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी।